एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शन। एंड इसमें से बहुत सारी ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन परचेज किया है एंड इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे मैंने बाहर से भी परचेज किया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले ये वाला ज्वेलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस वन इज फ्रॉम ज्वेरी पर्ल एंड ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। एंड जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर है। इसके साथ आपको ये इयररिंग्स मिलेगा, बहुत ही लाइट वेट है। देखने में ये लग रहा है कि बहुत ही हेवी होगा बट ये बहुत ही लाइट वेट है। एंड दिस इज़ माई करंट फेवरेट। अभी कुछ भी आउटफिट के साथ मुझे लिटरली यही मन हो रहा है पहनने का। एंड ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल ही कहीं से भी कुछ भी नहीं चुभता है। पूरा टाइम मैं इसको पहन के रख सकती हूँ एंड बिल्कुल भी मैं इसे इरिटेट नहीं होती हूँ। एंड देन इसके साथ मुझे ये रिंग भी मिला है, यू कैन सी हियर, कुछ इस टाइप का ये रिंग है। ज्वेलरी की बात करें, चोकर नेकलेस की बात करें तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। एंड यू कैन सी ये कितना सुंदर है। इसमें जो मोती लगे हुए हैं ये भी लाइक जो कलर कॉम्बिनेशन है मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एंड ये जस्ट सिंपल आउटफिट को एक बहुत ही अच्छा अच्छा लुक दे देता है। कैजुअल पार्टी या फिर छोटे मोटे फंक्शन है उसमें आप इसको डेफिनेटली पहन सकती हो। आप इसको कोई भी साड़ी या सूट के साथ इजिली पेयर अप कर सकती हो, बहुत ही सुंदर है। सो इफ़ यू वांट, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये वाला ज्वेलरी जरूर परचेज करना। इसके बाद मेरे पास एक और है एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम आई थिंक सेम ब्रांड बट हाँ, ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये बहुत ही सुंदर सा इयररिंग है, यू कैन सी हियर। एंड ये भी पहनने में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगता है। मेरे को ऐसा लगा था कि ये बहुत हेवी होगा बट कुछ कुछ ज्वेलरी जो होते हैं ना वो देखने में बहुत ज़्यादा हेवी लगते हैं। एंड अगर आप सामने से देखो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी होगा बट ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है, ये भी मैंने रिसेंटली परचेज किया है, बहुत सुंदर है एज यू कैन सी हियर। एंड इसके साथ मुझे ये सुंदर सा मांग टीका भी मिला था, यू कैन सी हियर, बहुत ही सुंदर क्या है। छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं इसमें एंड देन नीचे में भी इसमें इस टाइप का ग्रीन कलर का मोती दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा चीप मिला है, आई गॉट दिस फॉर ओनली 350 और 360। दैट सेट पहनने के बाद ये बहुत ही सही दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव क्या ज्वेलरी पहना है बट ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा चीप मिला है अमेजोन से, बहुत सुंदर है। तो इसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने ये वाला चोकर नेकलेस, ये भी बहुत ही हेवी लुक देने वाला चोकर नेकलेस है, बहुत ही सुंदर सा है। एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम सेम ब्रांड ज्वेरी पर्ल। एंड ज्वेरी पर्ल का सच में इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। इसको भी मैं लास्ट ईयर खरीदी थी एंड मैं इसको बहुत बार, लिटरली बहुत बार पहनी हूँ बट स्टिल ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा चीप मिला था मुझे, अराउंड 500 और 600 बस इतने में ही। प्लस इसके साथ मुझे ये दो झुमका मिला था एंड एक मांग टीका मिला था, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो ये झुमका भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाइट वेट है। एंड ये वाला तो लाइक किसी भी आउटफिट के साथ आप पहन लो, बहुत सुंदर दिखता है। एंड अगर आपको शादी में या फिर इंगेजमेंट पर्पज से या फिर अभी तीज फेस्टिवल आने वाला है तो कुछ इस टाइप का ब्राइडल सेमी ब्राइडल ज्वेलरी बोल लो चाहिए तो आप इजीली इसको कंसीडर कर सकती हो, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं जब भी मैं ये वाला ज्वेलरी पहनी हूँ एंड स्पेशली इसका जो झुमका है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब भी मुझे ऐसे मैं सूट वगैरह पहनती हूँ तो मैं ये वाला झुमका जरूर पहनती हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आराम से मैं पूरा दिन इसको कैरी कर पाती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे सेम इसके साथ मुझे ये छोटू सा मांग टीका मिला है। तो ये तीनों ही आप चाहो तो अलग अलग भी पहन सकती हो, एक साथ भी पहन सकती हो, तो इसलिए फुल पैसा वसूल ये 500 और 600 में सेमी ब्राइडल ज्वेलरी मुझे मिल गया था। एंड दैट टू बहुत ही अच्छा क्वालिटी एंड बहुत ही अच्छा सा लुक आता है इसको पहनने के बाद, यू कैन सी हियर।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे पास ये सुंदर सा रिंग है पूरा मोती वाला, एंड ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, ये वाला ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छे से जाता है, एंड ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चीप है ये, एंड किसी भी आउटफिट के साथ लाइक आप पहन लो बहुत सही दिखता है ये भी। तो ये वाला रिंग भी लाइक वन ऑफ माई फेवरेट रिंग है, मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, ये मैं अपने एंगेजमेंट के टाइम परचेज की थी चांदनी चौक से, एंड ये सेम चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक और चोकर नेकलेस है, ये भी बहुत ही सुंदर है, ये भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांड जिवेरी पर्ल, एंड यू कैन सी हियर, इसको भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है, अभी 2 साल हो गए इस चोकर नेकलेस का, एंड स्टिल अभी तक इसका जो शाइन है ये बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट चोकर नेकलेस। चोकर नेकलेस पहनना मुझे बहुत पसंद है, एक तो ये पहनने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, एंड दूसरा ये थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके साथ मुझे सेम इसी शेप का इयर रिंग्स मिला था, पता नहीं अभी मैंने वो कहाँ रखा है, बट आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। तो या ये वाला चोकर नेकलेस भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है, एंड ये मेरे को अराउंड 400 and 500 में मिला था, एंड देखिए जो आपको फुल पैसा वसूल, बहुत सुंदर सा चोकर नेकलेस है। नेक्स्ट आई हैव दिस नेकलेस, कुंदन नेकलेस, एंड ये भी बहुत ही सुंदर है, पहनने के बाद काफ़ी रिच लुक आता है इसको, एंड यहाँ पे पूरा गोल्डन है, एंड नीचे में इसमें रेड कलर का पर्ल लगा हुआ है, तो रेड ड्रेस के साथ ये बहुत सुंदर लगता है। एंड वन मोर थिंग गाइज, ये ना 2-in-1 है पीछे, ये भी मैं इसको पहन सकती हूँ, अगर इस टाइप का कोई आउटफिट है तो मैं उसके साथ भी ऐसे पहन लेती हूँ, एंड मोस्टली मैं इसको सामने से ही पहनती हूँ, क्योंकि इस टाइप की ये ज़्यादा सुंदर लगता है, यू कैन सी योर, बहुत ही सुंदर है, एंड ये भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, एंड स्टिल अभी ये बहुत साल तक चलेगा, बिल्कुल ही कुछ भी इसका भी ख़राब नहीं हुआ है, इसका भी शाइन बिल्कुल ही नहीं गया है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, इसका भी लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ मुझे ये कुंदन वाला ही इयर रिंग मिला था, ये भी बहुत ही सुंदर सा है, लाइट वेट है, इस टाइप का ज्वेलरी ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, इसको आप कहीं भी कभी भी पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखता है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा यू नो लाइट वेट भी होते हैं, तो पहनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा हेवी कुछ पहन लिया है, एंड जल्दी से ऐसे निकालो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जितने भी अभी तक मैं जो आपको ज्वेलरी दिखाई हूँ, ये पहनने में भी उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड साथ ही साथ देखने में तो ये बहुत सुंदर लगता है, मैं इसको पर्सनली बहुत टाइम से पहनते आ रही हूँ, एंड स्टिल अभी तक मेरा इसे मन नहीं भरा है, मैं अभी भी इसको बहुत टाइम तक पहनूंगी, एंड बहुत सारे आउटफिट के साथ मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे पास एक और इयर रिंग है, एंड ये भी बहुत ही सुंदर है, इसको भी आप बहुत सारे आउटफिट के साथ पहन सकती हो, बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, एंड इसके साथ मुझे ये वाला मांग टीका मिला है, ये भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, एंड ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, तो छोटे मोटे फंक्शन में, संगीत वगैरह, मेहंदी वगैरह में आप आराम से इस टाइप का ज्वेलरी पहन सकती हो, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी होता है, तो ये भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, तो ये भी आप परचेज कर सकती हो, बहुत ही सुंदर है। ओके, एंड नेक्स्ट आई हैव दिस मांग टीका, ये भी बहुत ही सुंदर सा मांग टीका है, एंड ये मैंने लोकल शॉप पे ख़रीदा था जस्ट फॉर ₹170 और ₹180, मैं अपनी फ्रेंड को बोली थी एंड वो लाई थी, ये भी बहुत ही सुंदर सा मांग टीका है, एंड इसको भी मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, एंड स्टिल यू कैन सी ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है, तो इस टाइप का ज्वेलरी आपको ऑनलाइन भी सेम प्राइस में ही मिल जाएगा, एंड ऑफलाइन भी सेम प्राइस में ही मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं जितनी भी ज्वेलरी जो ऑफलाइन खरीदी हूँ वो मोर और लेस एक ही प्राइस का है जितना भी मुझे ऑनलाइन मिल रहा था, तो आप इजीली ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल।